कहने वाले तो यही कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखता है, लेकिन अगर किसी को यह अनुमान ही नहीं है कि उससे कोई गलती हुई है तो वह सबक क्या खाक सीखेगा। इमरान खान ने बाजवा के मसले पर जो बयान दिया वो इसके तैमंद बाजों का वास्तविक मुखिया होना साबित करता है। उनका बयान यह भी बताता है कि मदरसा पैदाइश के असली पूर्वज मुगल ही थे, यही उनके वास्तविक वंशज है, यानी यह पेटेंट इनको मिलना ही चाहिए। इमरान ने पाक सुप्रीम कोर्ट के बाजवा एक्सटेंशन के फैसले पर कहा कि आज का दिन उस माफिया के लिए निराशा वाला है जिसने पाकिस्तान की संस्थाओं को भिड़ाने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि इमरान सरकार ने जनरल कमर जावेद बाजवा को जो एक्सटेंशन दिया था वह गैर कानूनी था, यानी इमरान खान खुद ही उल्टे सीधे कदम उठाकर न्यायपालिका से टकराव की स्थिति पैदा कर रहे थे, फिर खुद की सरकार को माफिया घोषित कर रहे हैं। पर मामला यहां तक नहीं है, इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने इस मुश्किल के बाद एक दूसरी मुसीबत और खड़ी हो गई है। आसमान छूटी महंगाई, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका से टकराव और बढ़ती बेरोजगारी से पार पाने की तमाम असफल कोशिशों के बीच वह फिर से एक बड़े आंदोलन में फंस चुकी है। इमरान सरकार अभी फजलुर रहमान के नेतृत्व में हुए आंदोलन से उबर भी नहीं पाई थी कि अब छात्रों ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। बड़ी बात यह है कि फजलुर रहमान का आंदोलन अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। कल पूरे पाकिस्तान में शुरू हुए छात्रों के देशव्यापी आंदोलन ने इमरान की नींद उड़ा दी है। उनके इस आंदोलन में समाज के अन्य तबकों के लोग भी शामिल हुए, सभी प्रांतों में जगह जगह निकाले गए छात्र एकजुटता मार्च में अभिव्यक्ति व दमन से आजादी की मांग करते हुए हमें क्या चाहिए आजादी के नारे लगाए गए। स्टूडेंट एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए इस मार्च को राजनीतिक दलों के साथ साथ किसान, मजदूर व अल्पसंख्यक समुदाय के संगठनों का समर्थन हासिल रहा। मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो ने भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि मदरसों और भारत के भरोसे चलने वाला पाकिस्तान फिर से इस आंदोलन को भारत की करामात बताकर अपना दामन बचाने की फिराक में है। पाकिस्तान की सरकार के मंत्रियों ने इसे भारत से पैसे लेकर किया गया आंदोलन बता दिया। यह ठीक उसी तरह है जैसे नवाज को मोदी का एजेंट करार दिया गया था। फजलुर रहमान पर भारत से मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे। पाक फौज के मुखिया कमर जावेद बाजवा और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी भारत का जासूस बना दिया गया था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की 90% आबादी भारत के इशारे पर ही चल रही है। जब इस देश के नेता, वकील, जज, फौज और आम छात्र भी भारत के एजेंट हैं तो फिर पाकिस्तान कहां है? यह तो मदरसों में भी नहीं रहा, क्योंकि फजलुर जिस जमात को सिंध से लेकर इस्लामाबाद के पेशावर रोड तक आए थे वह सब मदरसे के ही छात्र थे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में किसी को मुल्क का दुश्मन या गद्दार करार देना है तो उस पर भारत का एजेंट होने का ठप्पा लगा दो। खास बात यह भी है कि वर्ष 2014 में जब इमरान खान डी चौक पर गधैया नाटक कर रहे थे तब उन पर भी विपक्षी दलों ने भारत का एजेंट होने का आरोप लगाया था, जिसका जवाब इमरान खान अभी तक नहीं दे पाए हैं। तहमंद के बाजार गर्म हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार की माने तो भारत की मीडिया जिस प्रकार मुल्क की घटनाओं को कवरेज दे रही है उससे भारत के इसमें शामिल होने का अंदेशा होता है। पर पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए कि भारत के लिए उनका खटारा मुल्क कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, बल्कि मनोरंजन का एक माध्यम है। यह ठीक उसी तरह है जैसे सर्कस में मौजूद लोगों के लिए सबसे कौतूहल का विषय जोकर होता है। पाकिस्तान भारतीय मीडिया के लिए दुनिया का एक जोकर मुल्क है जिसके तमाशे को दिखाकर भारत में खूब मनोरंजन होता है। खासतौर से इस देश में होने वाला गधैया नृत्य आनंद का बड़ा बाजार क्रिएट कर रहा है। यह वो वटवृक्ष है जिसकी शाखाओं पर उल्लू की भरमार है। मतलब इस देश का बैंड बजाने में केवल इमरान ही आगे नहीं है, बल्कि यहां मौजूद हर पाकिस्तानी इसकी बजा रहा है, क्योंकि ऐसे आरोप भारत में मजे का माहौल तैयार करते हैं। जब जच्चा से लेकर बच्चा और नेताओं जजों तक को भारत का जासूस करार दे दिया जाता है
अब भारत इनके इस बकरी कुदान पर मीडिया के द्वारा मनोरंजन नहीं परोसेगा तो क्या खुद भी गधैया नृत्य करने लगेगा? यह सोचना तो पाकिस्तान का ही काम है, क्योंकि इधर अपनी हालत भी काटो नहीं तो खून जैसी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।